नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, गुजरात के खिलाफ शिखर धवन ने बनाए थे 62 रन, लेकिन फिर भी नहीं मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। कगिसो रबाडा ने फिर अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर किया कुछ ऐसा नेक काम की देखने के बाद पूरी देश ने ठोका सलाम। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको नजारा पूरा दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रबाडा और धवन में से किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया जाना चाहिए था? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 22 का शानदार मुकाबला एक बार फिर से खेला गया, जहां इस मुकाबले में गुजरात की टीम और पंजाब की टीम आमने सामने थी। तो वहीं हम आपको बता दें कि इस मैच में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 143 रन की पारी खेली। तो वहीं इसका बखूबी फायदा उठाया पंजाब किंग्स ने, जहां पंजाब ने 16 ओवर में 145 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों, इस मुकाबले में जहां एक तरफ शिखर धवन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बस मात्र 53 गेंदों में ही 62 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में 8 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ घातक गेंदबाजी करते हुए हम सभी को दिखाई दिए कगिसो रबाडा, जहां कगिसो रबाडा ने आज के इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करवाते हुए 4 ओवर फेंके और 33 रन देकर 4 बड़ी सफलताएं हासिल की, और इन विकेटों के साथ ही पूरा मैच पलटता हुआ हम सभी को नजर आया। हालांकि दोस्तों, अब कगिसो रबाडा को इस मुकाबले के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, और कगिसो रबाडा को जब अवार्ड दिया गया तो उस दौरान पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान रबाडा ने कुछ ऐसा कर और कहकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, यहां पर कगिसो रबाडा आते हैं और कहते हैं कि किसी भी बड़ी लीग में लगातार शानदार प्रदर्शन करना एक किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है, और मेरे पिछले प्रदर्शन में काफी ज्यादा अंतर देखने के लिए मिला था। मैंने लगातार कोशिश की कि इस टूर्नामेंट से पहले मैं जरूर अपने आप को प्रिपेयर करूं, और पंजाब की फ्रेंचाइजी ने अगर मुझे खरीदा है तो मैं उनको अपना 100% दे सकूं। मैंने बहुत कोशिश की, खूब मेहनत की, जिसके चलते मैं ऐसे विकेट ले पाने में अब कामयाबी हासिल कर पा रहा हूं। आपने जैसा कि पिछले साल देखा ही था कि मेरी गेंद सही जगह पर पिच नहीं हो रही थी, और लेंथ और लाइन में भी काफी ज्यादा गड़बड़ियां हो रही थी, जो कि मैंने सुधारी, और उनको सुधारने के बाद नतीजे मिलने भी शुरू हो गए हैं। और वहीं दोस्तों, फिर आगे बात करते हुए वो कहते हैं कि इस मुकाबले में मुझे प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भले ही नवाजा गया, लेकिन मेरे हिसाब से आज अगर हमारी टीम जीत वो बस मात्र हमारे कप्तान मयंक अग्रवाल और उनके साथी खिलाड़ी शिखर धवन की वजह से, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना दिमाग चलाकर आज ये मैच हमें जितवाया है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर कगिसो रबाडा ने काफी बड़ा बयान इनके ऊपर दिया। बाकी अब आप सभी की क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।